एलटीटी न्यूज में आपका स्वागत है। देखते रहिए एलटीटी न्यूज, खबरों का संसार। पीलीभीत जनपद से लगी हुई बॉर्डर पर खमरिया पुल पर भाजपा और आरएसएस के लोगों ने किया खिचड़ी भोज का आयोजन मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में। इसका क्या संबंध है? ये 14 या 15 तारीख को ही क्यों मनाया जाता है? 14-15 को आप अंग्रेजी के रूप में मनाते हैं। नवाबगंज संवाददाता ऐसा मुश्ताक अहमद अंसारी की नहीं है कि रिपोर्ट। हम लोग 14 तारीख के, अब जैसे मान लो अभी बस प्रतिपदा आएगी, ठीक है, नंबर से आएगा भाई। नंबर कुछ लोगों ने मना लिया, 31 उसको 1 जनवरी को मना लिया, तो अंग्रेजी नंबर। लेकिन हम लोगों का जो भाई अंग्रेजी है, लेकिन क्या आपने नहीं मनाया या किसी ने नहीं मनाया? पूरे समाज ने मनाया। लेकिन जो लोग धर्म से बोलो, जो लोग बिल्कुल अपने धर्म को छोड़ना नहीं चाहते, जो बिल्कुल धर्म से जुड़े हुए हैं, वो लोग उसमें चैत शुक्ल की प्रतिपदा को मनाएंगे, वो भी एक अंग्रेजी की तारीख होगी, तो हिंदू नंबर से मनाया जाता है। तो लोग मतलब वितरण भी करते हैं और अपने घरों में भी बनाते हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? देखिए, मकर संक्रांति का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है, एक तो ये समरसता का है, इसमें सभी लोग मिलजुल कर एक साथ बैठ जाते हैं, काम देते हैं। और दूसरी बात, जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार देखा जाए तो आज के दिन हमारा जो सूर्य है वो धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, इसीलिए जनवरी के माह में 14वीं को मकर संक्रांति के रूप में खिचड़ी भोज बनाकर के लोगों के साथ बैठ कर मनाया जाता है। ये हम लोगों की सनातन और हिंदुओं की मान्यता है। अपने यहाँ आश्रम में आज कार्यक्रम खिचड़ी सहभोज का कार्यक्रम रहा, क्या इससे पहले भी यहाँ कार्यक्रम करा? हाँ, ये हर वर्ष यहाँ पर कार्यक्रम होता है और इसके अलावा कार्यक्रम होते ही रहते हैं यहाँ पर हमेशा। अच्छा, आज के दिन पीले कपड़ा भी लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब पीला रंग डालकर बैठ कपड़े। ये पीला वस्त्र जो है साधना का प्रतीक है जी, तो इसको ज्यादा महत्व दिया जाता है साधना के रूप में। ये भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह ने नागरिकता संशोधन कानून पर सरकार का रखा पक्ष। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हैं। पाकिस्तान पूरी पाकिस्तान में जो 1971 के बंटवारे में जो काफी परिवार थे, उनको जीवन देने का काम इस विधेयक में किया। सर, इसमें जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? विरोध उनको जानकारी नहीं है, उनको उकसाया जा रहा है। नहीं, आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा उनके लिए? विरोध का मतलब नहीं है, वो उनको समझ नहीं है। उनको मैंने कहा ना जी आपको एक बात कि हम नागरिकता देने के लिए है, बनाने के लिए नहीं। हम किसी को देश से भगा नहीं रहे, हम केवल उन विस्थापित लोगों को जरा मिला हुआ जो है 14 से पहले के परिवार जो आए हुए हैं उनको नागरिकता देने का काम इस देश ने किया है, जीवन देने का काम किया है। ना जाने हजारों नौजवानों को रोजगार का अवसर मुख्य धारा में लाने का यह भी नहीं, और खासकर हमारे पीलीभीत में लगभग 1 लाख नौजवानों, मतलब 1 लाख परिवारों को सभी